अगर ये मुसलमान होते तो क्या होता? तो खैर मनाइए कि मुसलमान नहीं है, बरसी मनाते हैं ये लोग उस नाम पे। जब ये सब लग रहा है प्रथम दृष्टया में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। देखिए, संसद भवन में चूकाई खुल करके सामने कैसे दो व्यक्ति पहुंचा और किनके रिकमेंडेशन पर पहुंचा? अगर ये मुसलमान होते तो क्या होता? वो तो खैर मनाइए कि मुसलमान नहीं है, बरसी मनाते हैं ये लोग उस नाम पे। और जो अभिव्यक्ति का तरीका था, वो तरीका कतई उस किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बू आ रही है भाजपा की, तरोताजा करने की नापाक कोशिश हुई है। कोई भारत माता की जय बोल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि विक्षिप्त प्राणी है। तो हर पहलुओं की जांच होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा में ये भारी चूक है। और नए संसद भवन में अभी बन करके बहुत लंबे समय हुए भी नहीं है जी, हाल ही उद्घाटन हुए, कैसे कोई पहुंच गया? इससे बड़ा और चूक कभी हो ही नहीं सकता है। आजादी के बाद कभी इस तरह की चीजें हुई थी क्या कि कोई घुस जाए? ये जिस समय सुरक्षा में चुकी उसका विपक्ष के सभी सांसद है वो एयरपोर्ट जैसा सिक्योरिटी जांच की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर में तो जांच होनी चाहिए सिक्योरिटी, नो डाउट। संसद देश का सर्वोच्च एक लोकतंत्र के मंदिर है, और वो असुरक्षित रहे, वो शिकार हो जाए साजिश का, उसकी पवित्रता पर आंच आ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि मौजूदा सांसद द्वारा ही स्पॉन्सर थी संसद में घुसपैठ की। मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं कि जिस सांसद ने रिकमेंडेशन किया, बिना रिकमेंडेशन का तो कोई हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो रिकमेंडेशन किया, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा भैया? वो चिन्हते हैं, पहचानते हैं कौन है नहीं है। जब ये सब लग रहा है प्रथम दृष्टया में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, किसी चीजों को तरोताजा कर करके एक दूसरे ख्याल में प्रवेश करने की अगर भाजपा की साजिश है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये चूक भारी पैमाने पर चूक है। सुरक्षाकर्मी का रहता कैसे को चल जाएगा भीतर भाई? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो मैसूर के जो सांसद है प्रताप सिंह, उन्होंने तो कहा कि उनके पिता के रिकमेंडेशन पर ही हम लोगों ने भेजा था। जिनके पिता के रिकमेंडेशन पर भेजे, सवाल रिकमेंडेशन का नहीं है, सवाल है कोई सिरफिरा भी नहीं है। जब सिरफिरा भी नहीं है, बाबत भी संसद भवन के भीतर जाके जो दृश्य उत्पन्न किया, वो एक चिंता का विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।